गुड मॉर्निंग लेसन वर्ड एंड एक्सप्रेशंस इंग्लिश में यूनिट 6 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों दो बुक तो आपको मालूम हो ही गई होगी, तीसरी है ये, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं यूनिट 6 का। यूनिट 6 है ए फोटोग्राफ्स ऑन द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया आर कॉर्नोग्राफी गिवेन बिलो बी डिस्कस इन पेयर्स एंड राइट डाउन देयर नेम्स सी व्हाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। आप सी वर्कबुक पेज नंबर 80, आप पेज आप अपनी वर्कबुक निकालो और पेज नंबर 80 में ये आपको मेंशन होगा यहाँ पर। आंसर मिलेगा ए का यस। फिर बी क्या है, डिस्कस अ पेयर ऑफ डाउन राइट डाउन नेम्स, जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के भारत के उनके नाम हैं, पहले जो है राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरा एस राधाकृष्णन, थर्ड थे जाकिर हुसैन, फोर बीबी गिरी, फाइव फारुखाद्दीन अली अहमद, सिक्स नीलम संजीव रेड्डी, सेवन यानी जय सिंह, एट आर वेंकटरामन, नाइन शंकर दयाल शर्मा, टेन के आर नारायणन, इलेवन ए पी जे अब्दुल कलाम, ट्वेल्व प्रतिभा पाटिल, थर्टीन प्रणब मुखर्जी, फोर्टीन रामनाथ कोविंद, एंड सी आवर प्रेसिडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बिकॉज ही शी रिप्रेजेंट आवर कंट्री एंड ही शी इज अहेड ऑफ एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिकली The three arms of our government and also head of our armed forces, all the executive actions are taken in his and her name. Next time, choose the correct option from the bracket and fill in the blanks. आप शब्द दिए गए हैं उनको select करो और इसमें से कोई एक शब्द सही है वो इसमें आएगा। First है मोहनदास करमचंद गांधी was a n dash student, answer hai an average student, a b e r a g e average student। Second, as a boy Mohandas used to be a very bad and avoided all company, and thus right answer is timid। Third, the teacher tried to dash him with the poems of his boot, C suggest is a right answer, SUGGEST। Fourth, young Mohandas dash any reading beyond his school books, the right answer is dislike, DISLIKED। Next, you read Shraman Pratibhakti with dash interest, great, the right answer, GREAT। So fill in the blanks is all done। Next, name noun from the given words, one is rent for you example। Noun यानी होता है संज्ञा, संज्ञा के फॉर्म में इन शब्दों को आपके लिखना है। फर्स्ट आएगा happen, happen का जैसे है happening, तो पहला आएगा नो, K N O W, नो का आ जाएगा नॉलेज, K N O W L E D G E, ये इस प्रकार आएगा देखिए, K N O W L E D G E। सेकेंड वन B है A W C E P T, एक्सेप्ट, तो द राइट आंसर इज A W C E T A N C E, acceptance। The third is S separate, S E P A R A T E, the right answer is S separation, S E P A R A A T I O N। Next D mobilize, O B L I G E, the right answer is mobilization, O B L I G A T I O N। Next, achieve, A-C-H-I-E-V-E, the right answer is achievement, A
I E D E M E N T. Okay, students. So this is the right answer. In second, take words from the box given below and match the words to go along with them. You may use some of the words more than once. Example, communion, harmony. इसी का राइट आंसर किस तरीके से आपको ये जो है इनके जो पेयर है सही जोड़ी जमाना है. ठीक है, तो फर्स्ट है टी यू एन ई ट्यून. ट्यून का आ जाएगा एफ आई आर ई फायर ट्यून. क्या होगा फाइन ट्यून. तो फाइन वेर इज फाइन दिस वन फाइन ट्यून वन एंड वन. तो ये पेयर हो गया फाइन ट्यून का. ठीक है, नेक्स्ट पेपर. पेपर सो तो न्यूज पेपर. हाँ, दैट इज द राइट आंसर. तो न्यूज वेर इज न्यू वर्ड ऑफ न्यूज हार्ड है. हाँ, तो वॉट न्यूज पेपर है ना. इसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम. तो सिस्टम के लिए क्या आएगा साउंड सिस्टम या वेब सिस्टम. ठीक, तो वेर इज सिस्टम ये थर्ड साउंड सिस्टम ये थर्ड. तो ये आ जाएगा साउंड सिस्टम. अब आएगा यहाँ पे प्रूफ. प्रूफ के लिए क्या आएगा वाटर प्रूफ. तो वेयर इज वाटर दिस वन फोर और फोर यह जाएगा वाटर प्रूफ. फिर आएगा स्टडी प्रूफ. इसी प्रकार से अगला शब्द साउंड प्रूफ एंड हर्ट कर. ठीक, ग्रामर है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द प्रोसेस टू वॉशिंग क्लोथ्स इन अ मशीन. Use passive from the verb given in brackets. Dirty clothes take. Take का जाएगा taken. First में क्या आएगा आपका take. Passive इसका आएगा taken. Verb का second third form. Next for washing clothes are separate. तो क्या जाएगा separated. Separate as he T A R A T E. तो क्या आ जाएगा सेपरेटेड. E D इसमें इंक्लूड हो जाएगा S E P A R A T E D. ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर कलर एक्सेट्रा एंड मेक. मेक का आ जाएगा मेक. मेक का थर्ड फॉर्म आता वर्ब का M A D E मेक. देन नेक्स्ट मेड इनटू पाइल्स. Each piles is put. Put का जो है फॉर्म थर्ड फॉर्म put ही रहता है. Next in the washing machine tube, then detergent powder is add. Add का थर्ड फॉर्म आ जाएगा added. A double D E D. E D include हो गया added and the required program is set. Set is the same word set. Okay, once the washing over the clothes are removed. Remove का जगह removed. R E M O V E. तो इसमें E D include हो जाएगा. E V E D. Removed from the tube and next hang. H A N G hang. Hang का third verb का form आता है H U N G hang. Okay. फ्रेंड्स, आज आपने बहुत सारे वर्ड्स के जो मीनिंग है वो पढ़े आपने. सही जोड़ी पढ़ी आपने. ठीक है, और सारे जो वर्ड्स हैं इनके थर्ड फॉर्म भी पढ़े. आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कॉपी में मेंटेन करना है और याद करना है.